हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी में करने जा रहे हैं कहानी जिसका नाम है शेर और चूहा। एक बार एक जंगल में एक शेर रहता था। एक दिन खाना खाने के बाद शेर आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे सो गया। अचानक से एक चूहा आया और उसने देखा कि शेर सो रहा है और उसके ऊपर उछल कूद करने लगा। कभी उसकी पूंछ के ऊपर, कभी उसकी पीठ के ऊपर जोर जोर से उछलने लगा। जैसे ही शेर की आंख खुली, शेर जोर से दहाड़ा। उसने चूहे को पंजे में जकड़ लिया। चूहे ने कहा, महाराज मुझे माफ कर दो, मुझे मत खाओ, मैं तुम्हारे किसी दिन काम आऊंगा, मुझे छोड़ दो महाराज, मुझे छोड़ दो। चूहा बार बार यह कहने लगा, मुझे जाने दो महाराज, मुझे जाने दो। शेर ने बोला, ठीक है, आज मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, क्योंकि आज मैंने पेट भर कर खाना खा लिया है, पर आगे से तुम यहाँ पर नजर मत आना। यह सुनकर चूहा धन्यवाद करता हुआ वहां से भाग गया। एक दिन शेर जंगल में घूम रहा था। शिकारियों ने जाल बिछाया हुआ था। जैसे ही शेर धीरे धीरे जाल के पास आने लगा, उसका पंजा जाल में फंस गया और शिकारियों ने उसे जाल में जकड़ लिया। शेर दहाड़ने लगा, बचाओ बचाओ। शिकारी हंसने लगे और अपने गांव की तरफ गाड़ी लाने के लिए चल दिए। शेर जोर जोर से चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ। सभी जंगल के जानवर शेर की तरफ देख रहे थे। चूहा भागा और उसने शेर को बचाने की पूरी कोशिश की। वह धीरे धीरे से शेर की पूंछ के ऊपर चढ़ा और अपने तीखे दांतों से जाल को काटने लगा। धीरे धीरे उसने सारा जाल काट दिया और शेर को आजाद करवा दिया। शेर ने चूहे का धन्यवाद किया और कहा, मित्र तुमने आज मेरी जान बचाई है, आज से तुम ही इस जंगल के राजा हो और अब तुम यहीं पर हमारे साथ इस जंगल में रहोगे। चूहे ने शेर का धन्यवाद किया और कहा, ठीक है महाराज। तो अब शेर ने कहा, क्या तुम अब मेरे साथ खेल कूद और मस्ती नहीं करोगे? तो चूहा दोबारा से शेर के पीठ के ऊपर और कभी उसकी पूंछ के ऊपर मस्ती करने लगा। मस्ती करते करते उन्होंने देखा कि शिकारी शेर को ले जाने के लिए एक गाड़ी लेके आ रहे हैं। शेर जोर से दहाड़ के उन शिकारियों के पीछे भागने लगा। शिकारियों ने देखा, अरे शेर तो जाल से छूट गया है और उसको अपने पीछे भागा देखकर वहां से भाग गए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी को भी छोटा या कम नहीं समझना चाहिए। ओके किड्स, थैंक यू।